हरियाणा सरकार ने स्कूलों में होने वाली पांचवी और आठवीं कक्षाओं की परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है और पांचवी और आठवीं बोर्ड की परीक्षाओं को आगामी एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है, जिसकी जानकारी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खुद मीडिया के सामने आकर दी। अभी पिछले दिनों में स्कूलों में जो बच्चों की, खास करके आठवीं और पांचवी के बच्चों के बोर्ड की परीक्षा का विषय था, उसमें CBSE के भी कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो वहाँ से मान्यता प्राप्त है और कुछ हमारे अपने भी हैं, तो ये था कि सभी बच्चों के हम इस बार आठवीं के और हरियाणा बोर्ड के परीक्षा लेंगे। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कोविड इसका कारण रहा है, पढ़ाई ठीक से हुई नहीं है और इस बार बोर्ड के ये नहीं लिए जाएँ। हमने तय किया कि एक वर्ष के लिए अब ये जो बोर्ड की परीक्षा है, ना आठवीं की ना पाँचवीं की, किसी की भी नहीं, ना CBSE की ना अपने स्कूलों की, किसी की भी कोई ऐसी बोर्ड की परीक्षा नहीं ली जाएंगी, स्कूल ही अपनी परीक्षा लेंगे और जैसे पिछले साल हमने किया था उसी हिसाब से इस बार। बता दें कि पांचवी और आठवीं कक्षा के लिए बोर्ड परीक्षाओं को फिलहाल स्थगित किया गया है। इस वर्ष हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा इन परीक्षाओं को नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दिनों हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने पांचवी और आठवीं कक्षा की परीक्षा लेने का निर्णय लिया था। इसके बाद कुछ अभिभावक व स्कूल प्रबंधक इस संबंध में उनसे मिले और कोविड महामारी के चलते प्रभावित हुई पढ़ाई का हवाला देते हुए इन्हें टालने का आग्रह किया। इसके चलते उन्होंने एक वर्ष के लिए इन परीक्षाओं को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से आयोजित न करने का निर्णय लिया। अब स्कूल स्तर पर ही इन परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।